Hello everyone, I am your teacher for this question, and the question is: the heat of formation for a compound in the following reaction, H2 gas plus Cl2 gas gives twice of HCl gas plus 44 kilocalorie, is A minus 44 kilocalorie per mole, B minus 22 kilocalorie per mole, C 11 kilocalorie per mole, D minus 88 kilocalorie per mole. तो यहाँ पर हमें heat of formation निकालना है of the following compound, और यहाँ पर हमें हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस कंबाइन हो रहा है, और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है विथ 44 किलो कैलोरी ऑफ हीट. सो यहाँ पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन इज फॉर वन मोल, यहाँ पर हमें एक मोल की गिवन है, मोल ऑफ HCl गैस, दैट इज ये कितनी हो जाएगी, इट विल बी 44 अपॉन 2 किलो कैलोरी. सो यहाँ पर हमें दो मोल्स मिल रहे थे, सो दो मोल्स की 44 है, तो एक मोल की डिवाइड कर देंगे हम बाय 2 से. सो यहाँ पर जो डेल एच आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस 22 किलो कैलोरी पर मोल. सो ये हमारी जो हीट है वो निकल रही है, इसीलिए हाँ यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा. यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डेट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. सही ऑप्शन को हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, डेट इज बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर. थैंक यू.